नमस्कार, मैं हूं राकेश यादव और आप मुझे आज देख पा रहे हैं टैलेंट अयोध्या के माध्यम से। आज मैं एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने वाला हूं जिन्होंने पहले देश सेवा की, उसके बाद अब समाज सेवा की ओर उन्मुख हो चले हैं। उम्र तो काफ़ी हो चुकी है उनकी, लेकिन जो जज्बा है वो काफ़ी नौजवानों जैसा है। आजकल जैसा कि समाज सेवी बनने का प्रचलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ चला है, लेकिन वो केवल शौखिया या तो यूँ कह लीजिए कि राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए होता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूँ जिनका ना तो कोई स्वार्थ है, ना तो कोई राजनीतिक फंडा है। तो आइए, देर ना करते हुए आपको मैं ऐसे शख्स से मिलाने के लिए ले चल रहा हूँ जो हमारे साथ में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर बैठे हुए हैं। ये अयोध्या जिले के एक बहुत ही बड़ा गांव है नरौली, जिसको अधिकतर लोग जान ही रहे होंगे। नरौली गांव के सेवानिवृत्त अध्यापक हैं जो 2 साल पहले शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन अब समाज सेवा की ऐसी चादर ओढ़ चुके हैं। आइए बात करते हैं सर, ये सेवानिवृत्ति के बाद आपके अंदर समाज सेवा की जो प्रवृत्ति आई वो कैसे पनप गई? समाज सेवा की प्रवृत्ति, हम जब शिक्षक थे तो तब भी हमारे अंदर में समाज सेवा की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। जी जी। लेकिन कुछ विषम परिस्थिति की वजह से मैंने संस्था चलाई भी, एक निर्बल मानव सेवा समिति, और उसका कुछ दिन काम किया उसमें, लेकिन कुछ हमको उसमें विसंगतियाँ मालूम पड़ी और शिक्षा कार में बाधा होने के नाते, क्योंकि हम सर्विस में थे, इसलिए हम उस संस्था को फिर वहीं पर विराम दिया। उसके बाद फिर शिक्षण कार हमारा चलता रहा, और शिक्षण कार करने के बाद जब हम रिटायर हुए 31 मार्च 2018 को, तो हमारे एक परम मित्र आनंद शर्मा जी, बहुत ही हमारे परम मित्र थे जी, उन्होंने हमको कहा कि मास्टर साहब, मैं धार्मिक प्रवृत्ति से थोड़ा लगाव रखता था, इसलिए ज़्यादातर समाज में यही चर्चा थी कि ये अध्यापक के बाद जो है ये धार्मिक संस्थाओं में काम करेंगे, माने तीर्थ व्रत आदि करेंगे। लेकिन वो हमारे मित्र आनंद शर्मा जी ने हमसे कहा कि गुरुजी आप रिटायर हो गए हैं। हम कहा हाँ हो गए हैं। कहा कि हमारा एक कहना आप मान लीजिए। हमने कहा क्या? आपका कहना हमने हमेशा माना है। कहा एक बात आप हमारे मान लीजिए कि आप रिटायर के बाद भी अपना तीर्थाटन करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन जब जो समय बचे आप विद्यालयों के पर थोड़ा से दे दिया करें समय, और हमारा लोगों का भी थोड़ा से उसमें आपका आशीर्वाद मिल जाएगा, हमारा भी हो जाएगा। हमने उनकी बात मान ली, बाद में अपना कार्य शुरू किया। फिर आप डॉक्टर साहब जैसे और इधर पूर्वी सहलाल के प्रधाना अध्यापक साहब से बहुत ही ये लोग प्रभावित हुए हमारे कार्यशैली से, और हमने रिटायर अध्यापकों को सम्मानित करने का भी किया। और जुलाई में जब हम ये लोगों को सम्मानित करने का जो आपने काम शुरू किया, वो आपने कब से शुरू किया था? ये हम 31 मार्च 2018 को रिटायर हुए, उसके बाद जुलाई में हमने सम्मानित का काम सोचा। अच्छा, इस कहने का मतलब ये है कि जब आप शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हो गए, हाँ, उसके बाद फिर आपने जो है ये बीड़ा उठा लिया कि जो भी हाँ, सेवानिवृत्त अध्यापक हैं, जो भी जो कर्मठ टीचर हैं, जो पढ़ाने में लोग हर मेहनत से पढ़ा रहे हैं, उनको सम्मान। अच्छा, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए, हौसले को बढ़ाने के लिए आपने जो है ये सम्मान जी सम्मान देने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। शुरू किया, और हमने पहले जब हुआ जुलाई में वो जब सम्मान किया तो करीब 15 गुरुजनों का सम्मान किया है पहली बार। और इसके बाद फिर अब इधर जनवरी में भी, इधर जनवरी या फरवरी में फिर हमने किया है ये। अच्छा, हाँ, सम्मान किया है। और यहाँ इस ब्लॉक के बीओ साहब से भी चर्चा हुई थी। बीओ साहब ने भी कहा था कि हमने लिस्ट भी बना के दी थी कि इन अध्यापकों को आप
हम प्रश्न पत्र जो है आपके द्वारा दिलाना चाहते हैं, तो उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया। लेकिन दुर्भाग्य क्या कि लॉकडाउन की वजह से मामला पड़ा रहेगा, नहीं अब तक यहाँ भी हो जाता। अच्छा, ये जो सम्मान आप दे रहे हैं, चूँकि सेवानिवृत्ति के बाद अधिकतर लोग अपने घरों में अपने परिवार के साथ में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ में रहना चाहते हैं, जो पेंशन या जो भी पैसे मिलते हैं उनको थोड़ा बचा करके रखना चाहते हैं, लेकिन आप अपने जो सरकार आपको थोड़ा आंशिक रूप में आर्थिक मदद कर रही है उसको आप इस तरह से खर्च कर रहे हैं, तो आपको आपके घर वालों से कोई दिक्कत नहीं महसूस होती है? नहीं साहब, ऐसे तो हमारे 5 बच्चे हैं। जी जी, ऐसे 6 बच्चे थे और पिछले साल जून में एक बच्चा हमारा, वो थोड़ा सा उसकी लाइन गड़बड़ थी, वो शराबी निकल गया, वो एक्सपायर भी हो गया। और उसके बाद से हमने यही सोचा कि जो हमने जितना फंड पाया अपने विभाग से उसको सब बच्चों को दे दिया, मैंने जमीन वमीन खरीद दिया। उसके बाद बाकी सिर्फ पेंशन हमारी बची, तो पेंशन में अपना गुजारा कर रहे थे, और उसी तरह से अपना ये भी थोड़ा सा काम चलता है, उसमें किसी को परेशानी भी नहीं है। अब कोई परेशान हो तो उसके लिए तो हम मजबूर हैं भाई। जी जी, हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि नहीं, हम समाज से ऋणी हैं, समाज से हमारा जन्म हुआ, समाज में हमको रहना बैठना है, तो समाज के प्रति भी हमारा है। फिर एक शिक्षक के नाते शिक्षक का महत्व तो बहुत बड़ा है, इस वजह से कोई अगर थोड़ा सा नाराज भी तो हमको इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि हम अपना ही खर्च कर रहे हैं, किसी का तो हम रेंट तो रहने हैं बल्कि दे ही रहे हैं, और उनका भी हम पालन पोषण कर रहे हैं, समाज का भी कर रहे हैं, तो किसी का क्यों भाई वो। हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, सही बात। हाँ हाँ, आप अभी बता रहे थे कि आप खाली समय में जो प्राथमिक विद्यालय हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनमें जा करके आप अपना समय देते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, और अध्यापकों को भी सही शिक्षा, शुद्ध तरीके से शिक्षा देने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये समय आपके पास मिल जाता है ऐसा इतना समय? अरे साहब, हम रिटायर हो गए तो हमारे पास तो समय ही समय है, अब हमको कौन हुआ है भाई। एक हमारे अंदर में जो जज्बा था भाई, तो सब तो मिल गया, अब ये जज्बा अभी बरकरार है, तो इसमें कौन दिक्कत है, और फिर इसमें समय के हमारे पास, अरे भाई खाना सोना, उसके बाद फिर बाकी सब समय ही समय है, तो इस समय में तो अच्छे ही कार्य हमको करना चाहिए, सामाजिक कार्य, शिक्षा कार्य, तो उसमें समय का हमारे पास कम है, अभाव कहाँ है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, अधिकतर लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं गाँव के अभिभावकों को? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि सरकारी विद्यालयों में जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, वे बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें, बच्चों के साथ मेहनत से पढ़ाएं, तो ऐसे बात नहीं कि अभिभावक जो है जा करके प्राथमिक इस सरकारी स्कूल छोड़ करके दूसरे स्कूल में जाए, ऐसे ही नहीं। अगर वे अपने दायित्व को समझ लें कि हमको पढ़ाना है, और अभिभावक भी समझ ले कि हमको अपने बच्चों को भेजना है, ये ना समझे कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, यहाँ ऐसा नहीं है, यही सब थोड़ा से बाधाएं हैं। और नहीं तो अगर मेन चीज़ तो पढ़ाई है, अगर अध्यापक मेहनत से जहाँ पढ़ाता हम देखते हैं, जहाँ मेहनत से पढ़ाई हो रहे हैं वहाँ की संख्या भी आप देखिए। जी जी, हाँ हम बता भी सकते हैं, 2500 उसको जी, बिल्कुल बता दीजिए कि जैसे आपका पूरे सालाल स्कूल है जी, वहाँ पर संख्या आप देखिए, और हम कई बार गए तो वहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरह से कितने विद्यालय हैं, और बहुत से विद्यालय ऐसे हैं कि जहाँ पर कोई भी नहीं, उनका हम क्यों आपसे। न्यौरा स्कूल है आपका, न्यौरा में भी कोई सी बात नहीं है, अगर हमारे गुरुजन बिंद मेहनत से पढ़ाएं तो ऐसी बात नहीं है, अभिभावक जरूर पढ़ाएंगे। नहीं, अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो प्राइवेट स्कूलों में उनका फीस आर्थिक रूप से उनका हनन भी होता है, जी। पैसे भी ज़्यादा उनके लगते हैं, खर्च होते हैं, और वहाँ जो टीचर होते हैं वो वेल क्वालिफाइड नहीं होते हैं, मतलब बहुत कम गुणवत्ता वाले होते हैं, जी, जी। तो ऐसे में प्राइवेट से लोग सरकारी की ओर बढ़ें, उसके लिए आप अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे?
उससे तो हम अभिभावक से यही कहते हैं कि भैया अपने बच्चों को जो है जितनी अच्छी शिक्षा वहाँ प्राइमरी जो सरकारी स्कूल में मिलेगी इतना नहीं मिलेगी, लेकिन यही एक हमारे पास यही जवाब मिलता है कि अध्यापक पढ़ाते नहीं साहब, अध्यापक आते नहीं साहब, अब हम मजबूर हैं तो इसके बाद हमारे पास क्या जवाब है, बस यही अध्यापक इस तरह से अगर मुकरे अपना ड्यूटी समझे अपना और वहाँ के अफसर भी अपना दायित्व समझे तो कहीं बात नहीं, मतलब जो छोटी छोटी लापरवाहियां हैं उसका एक गलत संदेश समाज में फैल चुका है, समाज में जो फैल चुका है उसको दूर करने की जरूरत है, दूर करने की जरूरत है, और वो जब दूर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है ऑटोमेटिक लोग जाएंगे। जी जी, अंत में अभी जैसा कि आप जान रहे हैं कि वैश्विक कोरोना महामारी का दौर चल रहा है पूरे विश्व में और अपने देश में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे में लोगों को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अब इससे तो भैया हम पत्रकार महोदय साहब संदेश तो यही हम बताना चाहते हैं कि ये कोरोना महामारी बीमारी जो है ये किसी न जात से मतलब रखेगी ना किसी धर्म के से रखेगी, ये तो बीमारी है, जिसको पकड़ लेगी तो फिर वो हो जाएगा। अब इसके एहतियात हमको आपको बरतना है, लेकिन जो नहीं बरत रहा तो उसके लिए कहा जाए सोशल डिस्टेंसिंग बनाना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सब कुछ हो रहा है, टीवी पर ऐलान हो रहा है कि हाँ भाई बीमारी से जो है लड़ो, बीमार से नहीं, ऐसे हो रहा है और उसकी देखभाल करो सबको, लेकिन ऐसा है भाई क्या किया जाए, हम तो यही चाहते हैं कि जैसे सोशल डिस्टेंस मास्क का जरूर हुआ हो, अब अपरिचित व्यक्ति से बहुत कम उससे रखा जाए जी उसका है, और जो अपना है जैसा जैसा गवर्नमेंट का जो नियम है जैसे वह बताया गया है कि मास्क लगाओ अपना सोशल डिस्टेंस रखो, तो हम इसके समर्थक हैं, इसी का हम लोगों को समझा भी रहे हैं, कोई बात माने चाहे न माने इसको तो हम नहीं कर सकते। अभी आप 2 साल से समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच में लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जी, आगे क्या ये सम्मानित करने का ही कार्यक्रम आप रखे रहेंगे या किसी संस्था के साथ में जुड़ करके आप जो है आगे लोगों को पढ़ाई करना चाहते हैं? ऐसा है प्रज्ञान होते ये तो हमारा जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक चलता रहेगा, और हम अपनी एक संस्था भी चलाने जा रहे हैं, हमारी बेल फॉर सोसाइटी एक संस्था कल्याण सेवा समिति की जी जी, हम उसका भी चल रहे हैं, उसके प्रचार से शिक्षा का इसमें प्रचार और विधवाओं गरीब महिलाओं विधवाओं का ये सब उसमें कार्यक्रम हम सुचारू रूप से हमारा भविष्य में देखो क्या हो, हमारा यही है और इसी में हम अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं, इसके आगे और आप हमको जी जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में अयोध्या जिले के नरौली गांव के सेवानिवृत्त अध्यापक देवी विशाल यादव जी, जिनसे हम अभी टैलेंट अयोध्या के माध्यम से आप लोगों को बातचीत का नज़ारा दिखा रहे थे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, धन्यवाद।